जैसा कि आपको बताइए कि सिंध शहर सूफी संतों का शहर है, था भी और आज भी है। वहाँ पर हमारे संत भगत कंवरराम का जन्म हुआ। ये बहुत उच्च कोटि के सूफी संत हुआ करते थे, जैसे मीरा रैदास और नानक ईश्वरी के संत थे। इनको बचपन में अल्प आयु में ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो गया था। ये गीत गाते हुए अपना जो है नाचते हुए अपना सिंध शहर में घूमते थे। इनके बारे में ये प्रचलित था कि इनके मुँह से निकली वाणी सच्ची होती थी। इनको सक्खर के रेलवे स्टेशन पर गोलियों से भून दिया गया और ये शहीद हो गए, क्योंकि इन्होंने हमेशा देश हित की और आज़ादी की बात की थी। इसलिए इनके बहुत सारे दुश्मन पैदा हुए, इसलिए इनको शहीद कर दिया गया। आज इनकी शहादत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ दीप प्रज्वलित करके उनको नमन किया है और यहाँ पर हमने फलों का वितरण भी किया है उनकी शहादत दिवस। जय सिंध जो शहजाद हो, वो संत कंवर संतन की आशीष, वो संत कंवर सचो सतनाम जो नूर, हो संत कंवर गरीबन मिस्किनन की आस, हो संत कंवर कौर जी कुर्बत में छा लिखी छा लिखा, सचो हीरो हो सिंध की सिंधियत जो, कंवर तोखे हर सिंधी पल पल को याद करे, शहीद कंवर के मुझो छत छत। मेरा नाम जयप्रकाश दलवान है, भारतीय सिंधु सभा आगरा का मैं अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर हमने झूलेलाल मंदिर में शाहगंज में अमर शहीद संत कंवरराम साहब की शहादत दिवस मनाया है, जिसको कि आज 80वां शहादत दिवस हम मना रहे हैं। ये सिंध के अमर शहीद थे और सूफी संत थे, और आज उनको जो है श्रद्धांजलि के रूप में हमने यहाँ पर माल्यार्पण किया है। आपने देखा कि यहाँ पर हमने यहाँ पर शाहगंज में मंदिर में उनकी प्रतिमा भी स्थापित है झूलेलाल जी के साथ में, तो आज उनको हमने नमन किया है, माल्यार्पण किया है, दीपक जलाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। और पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो है पूरे हिंदुस्तान में आज उनकी शहादत दिवस मनाया जा रहा है। शादन में गुजरा मंदिर पर आपकी सेवा में संत कंवर जी ने जो हमारे शहीद हुए उनको याद किया और दीपक अमर शहीद संत कंवर राम साहब का आज शहादत दिवस है। ऐसे महान संत जिनको आज हम भारतीय सिंधु सभा आगरा के शाखा के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने आज जो भावभीनी श्रद्धांजलि दी है, दीप जला करके माला फैला करके उनको आज नमन किया है, और आज कार्यकर्ताओं ने गरीबों में फल भी बांटे हैं। निश्चित रूप से 1885 को जन्मे ऐसे महान संत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई, ऐसे महान व्यक्तित्व को चलती ट्रेन में गोलियों से भून दिया गया था, जिनका जन्म 1885 और शहादत 1 नवंबर 1939 को हुई थी। आज हम उसको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। जय साईं कंवर। ये दिया ना सर और ये तो बहुत टाइम था और ये बहुत टाइम है और अब मालूम है संत।